दोस्तों, अगर आप 10th पास हैं और सरकारी जॉब की तलाश में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो को आप बिना किसी स्किप के देखें और अभी वर्तमान में नए वर्ष में किस प्रकार नियुक्ति होगी एसएससी, एमटीएस एवं हवलदार के, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, वक्त को ना गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों, एसएससी के तरफ से एमटीएस एवं हवलदार की वैकेंसी ऑर्गेनाइज की जाती है, संचालित की जाती है, जिसमें लगभग जनवरी में इसका अभी ही नोटिफिकेशन आ गया है। नया वर्ष के जनवरी में लगभग 10,000+ पदों पर यह नियुक्ति देखी जा सकती है, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। न्यूनतम आपका शैक्षणिक योग्यता 10th पास करना अत्यंत आवश्यक है, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी बोर्ड से, किसी भी डिवीजन से। केवल और केवल अगर आप 10th पास हैं, पूरे भारतवर्ष में से आप इसे आवेदन कर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं एवं इसकी प्रक्रिया जो होगी वह ऑनलाइन होगी। पूरी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलने वाला है। बात करते हैं उम्र सीमा की, तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष, वहीं विशेष प्रकार के पोस्ट में जनरल के लिए 18 से 25, वहीं अलग अन्य पोस्ट में 18 से 27 जनरल के लिए। साथ ही साथ 3 वर्ष का छूट ओबीसी के लिए, अर्थात 18 से 28 वर्ष ओबीसी के लिए, और एसटी एससी के लिए 5 वर्ष का छूट मिलाकर 18 से 32 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि इसके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस 3-4 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, जिसमें आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा एवं 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। के बाद आते हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिया जाता है दोस्तों, फिर पीईटी या पीएसटी दोनों प्रकार के होते हैं। पीईटी पीएसटी आपको जैसे हवलदार पोस्ट में आपको पीईटी पीएसटी कर देना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, और मेडिकल के बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, बाद में आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं जो सीबीटी होगा, वह सीबीटी का सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस को ध्यान से देखें, सिलेबस आपका इंग्लिश से 25 प्रश्न, वहीं मैथ से 25 प्रश्न, रीजनिंग से 25 प्रश्न एवं जीके जीएस से आपका 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक एक प्रश्न पे 1 मार्क्स दिया जाएगा एवं 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। उम्मीद करेंगे यह वीडियो आपको बहुत ही जानकारीपूर्ण लगी होगी। यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए मोर अपडेटेड पाने के लिए।